हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एट गेट अभ्यास पुस्तिका कक्षा छठवीं के अध्याय सात हमारा देश भारत के विषय में प्रश्न उत्तरों को हल करेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों, देखेंगे हम प्रश्न क्रमांक एक, भारत को प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं? तो उत्तर देखेंगे हम, क्योंकि हमारा देश भारतीय भारत जो है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है, इसलिए प्रायद्वीपीय कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न दो, भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखे। तो दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 8.4 अंश उत्तरी तथा 37 अंश 6 उत्तरी अक्षांशों के बीच है। पश्चिमी से लेकर पूर्वी तक भारत का विस्तार 68 अंश 7 पूर्वी तथा 97 अंश 25 पूर्वी देशांतरों के बीच है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न तीन, भारत के मानचित्र का अवलोकन कर दी गई तालिका में पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो हम दिशा दिया हुआ है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। पड़ोसी देश उत्तर में चीन है, दक्षिण में श्रीलंका, पूर्व में बांग्लादेश, पश्चिम में पाकिस्तान। इस प्रकार से हम उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न चार है, अरब सागर में मिलने वाली नदियों के नाम लिखिए। तो लिखेंगे यहाँ पर नर्मदा तथा तापी नदी जो है अरब सागर में गिरती है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न पाँच है, हमारे देश में वर्तमान में राज्यों और केंद्र शासित केंद्रों प्रदेशों की संख्या कितनी है? हमारे देश में वर्तमान में 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न छः है, प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार हमारे देश के किस भाग में अधिक है? प्रायद्वीपीय पठार की पाँच प्रमुख बातें लिखिए। तो उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है, इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ियाँ, श्रृंखलाएँ तथा घाटियाँ स्थित है, इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न सात, भारतीय महामरुस्थल की विशेषता लिखिए। तो भारत के पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल स्थित है, यह शुष्क गर्म तथा रेतीला स्थल है, यहाँ वनस्पति की मात्रा अधिक बहुत कम है, इस प्रकार से इसके उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे प्रश्न आठ, हिमालय पर्वत को कितने भागों में बांटा गया है, नाम लिखिए। हिमालय पर्वत को तीन प्रमुख भागों में बांटा गया है, नंबर एक बृहत हिमालय हिमाद्री, नंबर दो मध्य हिमालय, नंबर तीन शिवालिक, इस प्रकार से उत्तर को लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न नौ है, भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण किस प्रकार हुआ, लिखिए। तो उत्तर देखेंगे, भारत के उत्तरी मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनी हुई है, इस प्रकार से लिख देंगे। इसके बाद प्रश्न दस है, पाठ के मानचित्र को देखकर दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। कर्क रेखा दिल्ली व भोपाल, पूर्वी पश्चिमी घाट, विंध्याचल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, नर्मदा व गोदावरी नदी, गोवा राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। तो देखेंगे हम भारत के मानचित्र में दिल्ली यहाँ पर है, विंध्या पर्वत श्रेणी यहाँ पर देखिए आप, भोपाल सतपुड़ा की श्रेणी, नर्मदा यहाँ कर्क रेखा बीचों बीच से भारत के बीचों बीच से गई हुई है, गोदावरी नदी, पूर्वी घाट गोवा और यहाँ पश्चिमी घाट, इस प्रकार से हम भारत के मानचित्र में दर्शा देंगे। आशा है बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह आने वाले अध्याय को कंप्लीट करने के लिए चैनल में बने रहें। धन्यवाद।